सर्पमित्राचा विकृत प्रताप, जंगलाऐवजी सापांना सोडले रुग्णालयाच्या परिसरात। मलकापूर परिसरातील पकडलेले विषारी बिनविषारी साप जंगल परिसरात न सोडता थेट मलकापूर शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या परिसरात सोडण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला असून या संदर्भात त्या सर्पमित्राचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे। तर सर्पमित्राच्या ज्या कृत्याच्या बाबतीत संताप व्यक्त केला जातोय। उपजिल्हा रुग्णालयाच्या परिसरात सोडण्यात आलेल्या 20 ते 25 सापांपैकी काही विषारी तर काही बिनविषारी साप होते। महत्त्वाचे म्हणजे यातील 8 ते 10 साप मृत अवस्थेत होते तर काही अर्धमेल्या अवस्थेत होते। सर्पमित्राला साप सोडताना रंगेहात पकडल्यानंतर यातील काही जिवंत असलेले साप उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी या सर्पमित्राला पुन्हा पिशवीत भरण्यास भाग पाडले व हे सर्व साप जंगल परिसरात नेऊन सोडले। तर मृतच असलेल्या सापांना जमिनीत गाडून टाकण्यात आले आणि पुन्हा असा प्रकार करू नये अशी तंबी सर्पमित्राला देण्यात आली आहे। सरकारी दवाखाने के अंदर और यहाँ हम सब साफ सफाई कर रहे थे। साफ सफाई करने के टाइम पे यहाँ पे हमको साफ दिखे। साफ दिखने के बाद में हमने देखे कि भाई एक साफ आ था, अनेक साफ फिर क्या आ रहे। फिर ये देखने के बाद में हमने जब पीछे जाके देखा तो एक अकरम नाम का व्यक्ति था मलकापुर का, और वो आ रहा और यहाँ साफ छोड़ रहा। हमने उनको समझाया, सब बातें किया। हमको यहाँ काम करना पड़ता और यहाँ कवि सेंटर है, यहाँ पे कवि की तपास नहीं होती, सब होती। वो व्यक्ति को समझाने के बाद में भी वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा, फिर उसका क्या करना। आप लोग देखो 20 से 25 साप थे, इसमें से कुछ 8-10 साप मरे हुए थे और कुछ 10-15 जिंदे थे। वो जब छोड़ रहा था तो उनने थैला यहीं छोड़ के फैलेगा, तो कुछ साप को हमने लिया के सूर्या होटल के पीछे थोड़े मरे हुए साप हमने तपन कर दिए। ऐसा किया नहीं, अभी तक नहीं दिए। हमने बोले कि जान दो वो आदमी भाई, वो साँप पकड़ के उसका पेट भरता, तो इसके वजह से हमने बोले कि जान दो वो गरीब आदमी है, लेकिन वो हमेशा ही कर रहा।